दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से डीपी लोगो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। ये लोगो मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई साहब ने मुझे भेजा था और मुझे मुझसे रिक्वेस्ट की थी, भाई आप सेम इसी तरह का लोगो एडिटिंग करना हमें सिखाइए। तो आप किस तरीके से एडिटिंग करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह का लोगो एडिटिंग कर सकते हैं और इस लोगो को बनाने के लिए जो भी फॉन्ट पीएनजी बैकग्राउंड लोगो जो कुछ भी मैंने यूज किया सारा मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो के ऊपर, फटाफट हम आपको कुछ इस तरीके से लोगो एडिटिंग करना सिखा दें और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कंप्लीट बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से एडिटिंग करना है मैं अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पर चल के बिल्कुल कंप्लीट बता दूंगा। यहां पर मैंने दीवार पर कल एकॉस्टिक फॉर्म लगाए थे बट वो किसी प्रॉब्लम के कारण हट गए, तो मुझे उनके लिए वो है वो फेविकोल लेके आना पड़ेगा, उससे वो चिपकेंगे। मैंने डबल टेप का यूज करके चिपकाए थे बट वो ऑटोमेटिकली वो उन्होंने जो है फॉर्म ने छोड़ दिया था, वो ऑटोमेटिकली मतलब सारे वहाँ पर पड़े अभी, तो मैं उनको फेविकोल से लगाऊंगा तभी आपको यहाँ पर पीछे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम वीडियो को एडिटिंग कर लेते हैं, मतलब लोगों को एडिटिंग कर लेते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगती है मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी बैकग्राउंड में यूज करने वाला हूँ मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे फोर जो चौथा ऑप्शन नीचे वाला इस पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे, अगर आप इसके अंदर लोगो एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे क्रॉप करेंगे, इतना चाहिए इतना आप इसे रखेंगे, उसके बाद आप राइट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर आप अपने लोगो को एडिट कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी बैकग्राउंड चाहिए अलग अलग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। न्यू टेक्स्ट को आप यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद आपको साइड में टैप करना खाली जगह पर, ऊपर आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर मैं इस तरीके से पीएनजी दे दूंगा ईगल वाला, जैसे आप ले लेंगे मैं मतलब इस बाज का, उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, पीएनजी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट और कलर भी देने वाला हूँ, गोल्ड और सिल्वर का, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करना है, थर्ड नंबर पर साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट और का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैं आपको सिल्वर कलर दूंगा ये वाला, इसे आप ले लेंगे और आपको राइट पे क्लिक करना है तो ये वाला कलर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर ऑन करेंगे ये वाला कलर इसमें हो जाएगा, अपने हिसाब से इसको यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद राइट पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद साइड में स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर साइडों पे क्लिक करके इसको चालू कर देना है और साइडों के अंदर कलर आपको ब्लैक वाला रख लेना है। सबसे नीचे वाला इनको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से और बहुत है, और सबसे फर्स्ट वाला इनको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। राइट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप साइज अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा लेंगे, इतना सा बहुत है मुझे ज़्यादा लग रहा है, इतना हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन के नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर लेयर पे क्लिक करना है और आप इसको लोग लगा सकते हैं, जिस चीज़ को आप लोग लगा देंगे उस पर क्लिक करेंगे तो वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब आप न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डबल टैप करना है, इसके अंदर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम आप लोगों बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने ASR बनना, मैं जो अपना नाम है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको भी अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ए पर क्लिक करना है, साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, माय फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो फॉन्ट मैं यूज करने वाला हूँ मैं आपको दे दूंगा, आप उस वाले फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ पर फॉन्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर जो फाइल के पास का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डाउनलोड के फोल्डर पर आपको क्लिक करना है और आपके फॉन्ट इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। नीचे आप जाएंगे तो आपको उनको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना है तो आपके फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपको यहाँ पर कौन सा वाला सेलेक्ट करना है मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, आपको वो वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मार्केट डेमो वाला ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नाम आ जाएगा, आपको साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कलर ऐड करना होगा तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर का यूज किया, इसके लिए आपको टैक्स शॉट पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको दो तरह के गोल्डन कलर दे दूंगा, आप इस वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से क्रॉप करेंगे, राइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसे आप इनेबल करेंगे तो अपने हिसाब से आप कलर को सेट कर सकते हैं। राइट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो नाम है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा।
अब आपको साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको साइडों पे क्लिक करके इसको चालू कर देना है और आपको कलर जो है वो ब्लैक करना है। और यहाँ पर जो इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर जो साइड है वो काफ़ी गजब तरीके से लग जाएगा। और ये जो लाइन है इसे आप कम करेंगे इस तरीके से ताकि साइड थोड़ा सा हल्का रहेगा। सबसे नीचे वाला लाइन को हल्का सा बढ़ा देंगे तो देखिए हमारा जो नाम है वो काफ़ी गजब यहाँ पर लग रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो PNG है हम इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेते हैं। अगर इसके अंदर आपको कलर थोड़ा सा कम दिखता है तो आप दूसरा वाला टेक्स्टोड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने थर्ड नंबर पर क्लिक किया यहाँ पर टेक्स्टोड पर क्लिक किया, हम इसको डिलीट करते हैं, इमेज वापस क्लिक करते हैं तो ये वाला भी मैं दे दूँगा, इसे भी आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, और अब आप यहाँ पर इसके इसे लॉक लगा देंगे और नाम को आप परफेक्टली सॉरी इसे आप लॉक लगा देंगे। अब आप नाम पर क्लिक करेंगे, नाम को आप यहाँ पर ले लेंगे, नाम पर क्लिक ना, उसके बाद यहाँ पर आपको ए पर क्लिक करके कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक ना, सेम कॉपी हो जाएगा, इसको यहाँ पर लाएंगे, डबल टैप करना है। अब इसमें आप लिखेंगे 4K स्टेटस एडिटर, जो भी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4K स्टेटस एडिटर। ठीक है, यहाँ पर उस जैसे मैं स्टेटस बनाता हूँ तो एडिट या एडिटर जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको इसकी साइज को कम करना है, उसको लंबाई में बढ़ा देना है। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर नीचे नाम लिखा है इसका कलर आपको रखना होगा जो हमने इस PNG में रख रखा है, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट शॉट पे क्लिक करके इसे डिलीट करना है, इमेज पे क्लिक करना है, वही कलर लेंगे और राइट पे आप क्लिक करेंगे तो वो कलर ऐड हो जाएगा। ऐसे आप इनेबल करके कलर को अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट करके राइट पे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड हो मतलब जो है वो सेट हो चुका है। ओके, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा, नीचे आपको अपना इंस्टाग्राम का और यूज़र नेम और यूट्यूब का यूज़र नेम डालना होगा। इसके लिए आपको इसके ए के पास के ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम यूट्यूब का लोगो लेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे, इसकी साइज को आप बिल्कुल कम करेंगे इस तरीके से। ओके, जो हमने नाम लिख रखा है 4K स्टेटस एडिटर इस पर क्लिक करना है, ए पर क्लिक करके कॉपी करेंगे, इसको आप यहाँ पर लाएंगे, डबल टैप करेंगे, इसे आप हटाएंगे, आपके यूट्यूब चैनल का जो भी नाम है वो नाम आप टाइप करेंगे, ओके पे आप क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ पर सेट करेंगे इस तरीके से। जूम के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको जूम करके देख सकते हैं, हमें इस तरीके से इसको सेट कर देना है। ओके, अच्छा है, वापस नाम पर क्लिक करके कॉपी पे क्लिक कर देंगे, एक कॉपी हो जाएगा, इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये लेयर का ऑप्शन है, उसके बाद नीचे क्लिक करना है यूट्यूब लोगो को और नेम को सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब आप जूम आउट करके आगे आ जाएंगे, अब इन दोनों के साइज़ को आप किस तरीके से मतलब एक साथ कम कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पर नाम कॉपी किया था इसका हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम परफेक्ट सेट कर देते हैं। अब वापस एक के पास के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का PNG लोगो दूंगा इस टाइप का, टेलीग्राम का भी दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। राइट पर आप क्लिक करेंगे और इसकी साइज को आप कम करेंगे, इतना बहुत है। और ये जो नाम हमने कॉपी किया इसको आप यहाँ पर लाएंगे, डबल टैप करना है और इसके अंदर जो आपके इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है ना वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ओके पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर जूम कर लेंगे और जूम करके साइज को आप फिक्स कर लेंगे, लोगो की और नेम की साइज को फिक्स रखना है, इतना बहुत है। उसके बाद आप जूम आउट कर लेंगे थोड़ा सा, लेयर पे क्लिकना है, नीचे क्लिकना है, इंस्टाग्राम के लोगो को लेना है, यूज़र नेम को लेना है, सेलेक्ट करना है दोनों को, नीचे क्लिक करके ओके पर क्लिक करना, दोनों मर्ज हो जाएंगे, उसके बाद जूम आउट कर देंगे। अब आप इस लोगो को यहाँ पर आप सेट करेंगे इस तरीके से और साइज को भी आप कम करेंगे, ओके। देखिए दोनों परफेक्टली सेट हो चुके, जूम आउट करेंगे, देखिए आपका यहाँ पर लोगो कंप्लीट हो चुका है। शेयर पे क्लिकना है, डिफॉल्ट पे क्लिकना है, अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे आपको क्लिक करना है। दूसरा बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे चौथे ऑप्शन पे क्लिकना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिकना है। अब यहाँ पर आप अदर वाला बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे हमें ये वाला चाहिए तो आपको वन बाय वन पे क्लिक करना है, सबसे पहले इसकी साइज को आप इस तरीके से कम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप राउंड शेप पे क्लिक करना, इस तरीके से राउंड आ जाएगा। राइट पे आप क्लिक कर देंगे, देखिए ये हमारा परफेक्टली सेट हो चुका है। इसमें अगर आप कुछ अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट शेयर पे क्लिक करके, डिफॉल्ट पे क्लिक करके, अल्ट्रा पे क्लिक करके इसे आप गैलरी में सेव कर लेंगे। इसी तरीके से आप कोई अदर बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और हमें जैसे ये वाला चाहिए तो इसे लेंगे, वन बाय वन में करेंगे,
इसे राउंड करेंगे, साइज को अगर आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। शेयर पे क्लिक करना, डिफॉल्ट पे क्लिक करना, अल्ट्रा पे क्लिक करना, सेव टू गैलरी पे क्लिक करना, तो ये भी आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम